तो ये सभी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे में कटर और साथ में स्नेक लेडी रियोस में चल जाते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले से ना एक वांग टोंग नाम का लड़का यहाँ पे था, जो लड़की जैसा लग रहा है लेकिन लड़का यहाँ पर है, वो यहाँ पर आया हुआ था और साथ में एक सेठ था, उस सेठ के ढेर सारे डिसाइपल उसके लीडर भी यहाँ पर आए थे और आपस में उनके बीच में बहस चालू हो जाती है क्योंकि हमारे में कटर और स्नेक लेडी आपस में बातचीत करे थे। उसके चक्कर में हाँ तो तीसरा बंदा कहता है कि यार तुम दोनों आपस में बहस यहाँ पे काय को करे हो, उन दोनों के चक्कर में क्या, क्योंकि वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। अब उन दोनों से पूछ लो भाई तुम लोग यहाँ पे कौन हो, क्यों यहाँ पर आए हो, बताओ या तुम लोग कौन हो, हमने तो तुमको नहीं बुलाया। तो सामने से स्नेक लेडी भी कहती है भाई हाँ हम लोग यहाँ पे बुलाया तो ही हम लोग आए, हम लोग जबरदस्ती यहाँ पे नहीं आ जाते। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम लोग हमको रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि जो भी ट्रेजर मिलेगा ना तुम लोग आपस में बांट लो, हमको यहाँ पे दोगे भी नहीं। लू भाई भी कहता है कि मैडम शांत हो जाइए, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। वो कहती है ऐसा कैसे गुस्सा यहाँ पे ना कर लूँ, ये जगह बहुत ही बड़ा है, रियोस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ट्रेजर यहाँ पे मिलेंगे और हमको मालूम है किसने, ये टोंग वांग ने इन्वाइट यहाँ पे किया था, हम उनके इनविटेशन पे आए हैं और अब ये कह रहे कि भाई हमको जानते भी नहीं है, ये तो गलत बात है ना। हाँ तो सेठ के लीडर कहता भी है टोंग वांग ये क्या चालू है, तुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भाई कौन यहाँ पे बकवास किया जा रहा है और अभी के लिए ये दोनों तेरे ही बंदे निकल गए, यानी तो अपने बंदों पर ही गुस्सा कर रहा था। वो भी कहता क्या बकवास है भाई, मैं इन दोनों को नहीं जानता और मैंने इन दोनों को बुलाया भी नहीं, ये झूठा झूठा मेरे ऊपर इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हो, तुम दोनों बड़े चलाक बनते हो मेरे पे इल्जाम लगा के, ये लो इतना बोल करे ना एक अटैक इनकी ओर यहाँ पे कर देता है। तो हमारे जो लू भाई है ना उसके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है, ये कहते भाई मेरी यंग लेडी यहाँ पर है, अमीर घर की यहाँ पर है, तो भाई छोटी सी छोटी बात पर इनको गुस्सा आ जाता है, तो प्लीज इनके गुस्से पे आप लोग गुस्सा यहाँ पे मत कीजिए, इनको माफ कर दीजिए, मैंने बोला बड़ी घर से बिलोंग यहाँ पे कर दिया, तो बाय चांस इनको चोट पहुंच गया ना तो लिटरली आप लोग ना बड़े लोग के दुश्मन यहाँ पे बच जाएंगे, इसलिए मैं यही कहता हूँ कुछ भी हो जाए इनको चोट बिल्कुल भी मत पहुंचाइएगा। इन शॉर्ट बस चाह रहा था स्नेक लेडी को, तो स्नेक लेडी भी बड़ा खुश हो जाती है कि ओ माय गॉड यार ये मुझे बस चाह रहा है ना, मेरे बारे में परवाह कर रहा था, आई डोंट नो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सामने से वांग टोंग भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आओ यार ढेर सारे बंदे तो आ चुके हो, तुम दोनों भी यहाँ पे आ सकते हो, आगे बढ़ो, तो सब आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं। हमारा मेकअट अभी देखते हैं स्नेक लेडी ना भाई, स्नेक लेडी को कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि भाई इसको जितना मारता हूँ जितना इसके साथ फाइट करता हूँ मुझे उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, इसको कुछ हो गया तो एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे कमाऊंगा, इसलिए मैंने बचा लिया। स्नेक लेडी भी कहती है भाई तुमको बचाने की वैसे कोई जरूरत यहाँ पर नहीं थी, तो ये जोर से टपली मारता है जरूरत यहाँ पर नहीं थी, उसका लेवल उसका पावर तुमसे ज़्यादा हाई था, अगर तुम्हारी कुटाई कर देता ना मर भी जाती, समझ गए क्या, बोलने से पहले कुछ भी सोचा कर। वो भी कहती है ओके ठीक है, थैंक यू मेरी परवाह करने के लिए, थैंक यू मेरे को बचाने के लिए। लू भाई भी कहता है अरे कोई बड़ी बात नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना लोग भाई किसी दरवाजे के पास आ जाते हैं, दरवाजे के अंदर जाने के लिए कोई एरे यहाँ पे था, वो एरे लगाया जा रहा था और एरे को हटाने के लिए तो भाई जू फैमिली का ब्लड यहाँ पे चाहिए और सेकंड जो लिविंग सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी किसी जानवर की या किसी इंसान की। तो अपनी स्नेक लेडी भी कहती है अरे बाप रे भाई तो ऐसा ही इनका एरे, पब्लिक भी कहती है कि भाई काफ़ी बढ़िया एरे है। तो उसके बाद भाई जू फैमिली का ब्लड दिया जाता है और इनके साथ घोड़े यहाँ पे थे, घोड़ों की सेक्रीफाइस दे दी जाती है जिससे दरवाजा ना दरवाजा ओपन हो जाता है। वांग टोंग भी कहते दरवाजा यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो जो भी टेजर है ना हमको मिलेगा, हमारे साथ लोग जल्दी से अंदर चलो और सारा टेजर ले लो, यानी बिना कुछ और बता वो डर के अंदर घुस जाता अपने टीम मेट के साथ। तो ये जो लीडर यहाँ पे था वो भी ऐसा गुस्सा करते कि वांग टोंग हरामी यार अपने बंदों को लेके आगे चल गया ताकि सारा टेजर ये पहले ले ले, मेरे सिर के डिसाइपल लोग चलो हमारे साथ, तो वो भी निकल जाता है। हमारे लू भाई भी देखते हो ये लोग ना भले ही आपस में मिलजुल के यहाँ पर आए हैं लेकिन आपस में भी जमते नहीं है, इनको चाहिए कि भाई मुझे टेजर मिले, उनको चाहिए कि नहीं उनको टेजर यहाँ पे मिले, तो ये लोग आपस में झगड़ा कर करें ना हम बीच से अपना फायदा निकालेंगे। तभी एक और तीसरा मेंबर यहाँ पे था, वो भी अकेला यहाँ पे था, वो भी ऐसा कहता कि भाई वो दोनों तो आगे चले गए, तुम दोनों भी अकेले लगते हो, तो एक काम करो भाई हम तीनों मिलकर अंदर जाते हैं। अपना लू भाई कहता बिल्कुल ना भाई, हम तुझे जानते भी नहीं है, तू भरोसा वाला होगा तो तू धोखा दे दिया, तो इसलिए हम दोनों बस अकेले जाना चाहेंगे। इतना बोल के वो दोनों बस स्नेक लेडी या लू भाई अंदर निकल जाते हैं और ये जो बंदा बाहर था ना वो देखता है चार पांच बंदे और भी उस सेट वाले यहीं पे थे, उनसे कहा भी जाते कि भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, या तुमको अपने लीडर के साथ ना अंदर जाना चाहिए ना। जो सुंदर लोग कहते भाई ऐसे कैसे अंदर जाएंगे, लीडर अंदर गए उससे पहले ना वो वांग टोंग भी चला गया, वांग टोंग को टेजर आइटम मिला, वो लेके बाहर यहाँ पे आएगा तो हमको बाहर रहना चाहिए ना उनको रोकने के लिए। जो सुंदर बंदा भी कहता है यार तुम्हारा लीडर कितना ज्यादा चला के, लेकिन लीडर की भी बैंड बजेगी तुम्हारी भी बैंड बजेगी, इतना बोलकर इन सारे बंदों को जान से मारकर ये भी चल जाता दरवाजे के अंदर। अब आते भाई लू भाई की ओर और साथ ही में स्नेक लेडी की ओर, जो कि ऐसे आगे बढ़ रही थी, तभी स्नेक लेडी को ना स्मेल आती है ब्लड का और कहती है शिट भाई खून का स्मेल आ रहा है, लगता है कोई मरा हुआ है। हमारा लू भाई कहता ध्यान से आगे देखो भाई तुमको ऑटोमेटिक लाशें दिख जाएगी, तो लाशें पड़ी हुई थी और ढेर सारे डिसाइपल लोग की, उस सेठ वालों के डिसाइपल की जो सेठ वाले यहाँ पर आए थे। तो ये भी कहती भाई सेठ के डिसाइपल लोग कौन है भाई जिसने आते इनको यहाँ पे मरवा डाला। हमारा लू भाई कहता आई डोंट नो, और अभी के लिए शायद हमको आगे ही बढ़ना चाहिए क्योंकि अब हमको बाहर निकलने का रास्ता भी देखना है, वो जो एरे द्वारा ना हम लोग एक बार अंदर आ सकते हैं लेकिन वापस हम
वापस यहाँ पे नहीं जा सकते, हाँ तो भी हमको अपने हिसाब से ना रास्ता वास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इतना बोल के ये लोग ना आगे बढ़ जाते। अब आते उससे शेड के लीडर की ओर, जो लीडर अपना बैठा हुआ था मतलब खड़ा ही था, तब उसका बंदा उसके पास यहाँ पे आता है। और जैसे आता ना ये लीडर कहते शेड भाई, वो बंदा ना वांग टोंग बड़ा चला के निकल गया साला यहाँ से, और कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया, कहाँ पे गया हमको आइडिया नहीं लगा। उसका बंदे से पूछा जाता भाई सब कुछ तैयारी हो गई ना, उसका बंदा कहते हैं तैयारी हो गई, लेकिन हमारे को डिसाइपल ना जो अनइनवाइटेड गेस्ट यहाँ पर रहते ना यार उन्होंने यहाँ पे मार डाला। तो ये भी कह दो सारी बातें छोड़ो, जो मेन चाबी यहाँ पे थी ना वो चाबी की तैयारी हो गई। उसका बंदा बताता यार चाबी ना चाबी की तैयारी हो गई, अभी के लिए ना हमको एक रेड डेमोन और साथ ही में टर्टल यानी जो रहता ना अभी क्या बोलते अपना कछुआ और डेमोन दिखा था उसको मार के हमने उनका भी ब्लड यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, और अभी के लिए बस फॉक्स और स्नेक का ब्लड यहाँ पे चाहिए। जो सुनते ये भी कहता ये हुई ना बात, तो जल्दी से भाई वो भी कलेक्ट यहाँ पे करो, और जो अनइनवाइटेड गेस्ट ना जाओ उनको भी खत्म कर दो, और मुझे याद है उनमें से एक कोई स्नेक वाली भी थी उसको पकड़ो, उसका ब्लड यहाँ पे यूज करो। और यहाँ पे वापस आते हैं लूबाई और स्नेक लेडी को, जो कि ट्रेवल यहाँ पे किए जा रहे उतने में ना क्या बोलते जमीन ऐसा कांपने लग जाती है, इनको आइडिया लग जाता है शीड भाई लगता है जमीन में कुछ तो है। तभी सिस्टम यहाँ पे प्रकट होती है, वो कहती है शीड आपको स्टार्ट मिशन यहाँ पे मिल चुका है क्या ना, जमीन के नीचे एक स्नेक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा था जो कि आपने एक्टिवेट कर दिया, तो जमीन के अंदर से ढेर सारे स्नेक यहाँ पे बाहर आ रहे, आपका काम है उनको यहाँ पे खत्म करना। तो सची में ढेर सारे काले काले स्नेक यहाँ पे आ जाते, हमारे लूबाई डरने लग जाते कि ओ माय गॉड स्नेक लेडी भागो यहाँ से चलो। ये भी कहती भाई मैं भी स्नेक हूँ, मेरे सामने छोटी मोटी टिक पाएंगे बिल्कुल ना, इतना बोल कर ना उसके पास एक पेट यहाँ पे था एक बड़ा सा गोल्डन कलर का स्नेक, उसको निकाल लेती है लड़ाई करने के लिए। अपना लूबाई भी कहता अच्छा ये आपका स्नेक है फाइट यहाँ पे करेगी। अभी एक ही स्नेक यहाँ पर है और सामने ढेर सारे काले काले स्नेक है, आपका गोल्डन स्नेक यहाँ पे टिक नहीं पाएगा भागो यहाँ से। वो भी कहती भाई मेरे पेट के पास ना यार गॉड स्नेक ब्लड लाइन है, तो भाई ऑफकोर्स टिक जाएगा। ये भी कहता गॉड ब्लड लाइन, अबे यार चोमूसा तो आपकी पेट यहाँ पे लग रही है छुई मूसी, ये क्या ही जीत पाएगी। तो स्नेक लेडी कहती है तुम देखते जाओ मेरी स्नेक यहाँ पे क्या क्या कर सकती है, इतना बोल कर ना वो स्नेक का पावर एक्टिवेट करवाती है, तो जो भी छोटे मोटे काले काले स्नेक थे ना वो सब मरने लग जाते हैं। जो देखते अपने लूबा भी कहता हूँ माई गोड यार स्नेक लेडी के पास जो पेट है वो तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। तो हमारा लूबाई चिल्लाने लग जाता है यस मारो काट डालो सबको तोड़ दो ये मुंह में दो ये। सिस्टम यहाँ पे कहते शीट भाई आपने सारे सांपों को मरवा तो डाला लेकिन भाई मिशन एक्सपायर हो गया था तो बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो अपनी स्नेक को वापस यहाँ पे बुला लेती है और कहती है भाई मेरी स्नेक तुमने आग लगा लिया। हमारे लूबाई भी कहता आपके पास इतनी कमाल की स्नेक पेट है आपने इससे पहले कभी दिखाया भी नहीं, बड़ी छुपी रुस्ता में बताओ यार मैं टच करके देखूँ क्या, बड़ी क्यूट सी लग रही है। जो सुंदर स्नेक लेडी भी कहती है क्यूट लग रही है ना टच करो ना टच करो, लेकिन यह काट ले गया तुम्हारी बॉडी में पॉइजन आ गया तो मर गए, तो मुझे यहाँ पे मत बोलना शपथ मेरे पे लगा हुआ है, मैं तुम्हारा बैंड नहीं बजा सकती लेकिन मेरी पेट तो यहाँ पे बजा सकती ना, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल को काट लेती है ना वो तो पक्का यहाँ पे मर जाते हैं। हमारा लूबाई भी कहता फिर तो रहने दो भाई मुझे नहीं कटवाना। उसके बाद जमीन के अंदर लिटरली एनाकोंडा से भी ज्यादा बड़ा सांप यहाँ पे निकल जाता है। अपना लूबाई भी कहता शिट हमने छोटे मोटे सांप को मारा तो लो भाई सारे सांपों का राजा यहाँ पर आ चुका है। तो सिस्टम भी खुश होकर बताती है भाई ओके तो स्नेक लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है इसको मारो और एक लाख पॉइंट कमा लो, और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।